अयोध्या से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ, राम जन्मभूमि का आज सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने वाले हैं। अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे वो और 5 अगस्त की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास से भी आज मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। कल देखिए दौरा था अयोध्या का सीएम का, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में कमल रानी वरुण, उनके निधन के चलते वो दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन आज कहा जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या। महंत नृत्य गोपाल दास से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये अयोध्या दौरा, इस तरीके की वहां पर तैयारी हुई है उसको देखने के लिए आज पहुंचेंगे सीएम। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली है और 5 अगस्त को लेकर अभी तक क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज अयोध्या कूच करने वाले हैं। अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर जाकर स्थिति क्या है इस वक्त तैयारियों की, उनको देखेंगे, समीक्षा करेंगे। अभी किस तरीके से राम जन्मभूमि भूमि पूजन को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, किस तरीके से वहां पर लगातार जो अयोध्या को सजाने का और एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पूरे तरीके से प्रज्वलित और उज्ज्वलित करने का अवसर तलाशा जा रहा था 5 अगस्त, वो आ चुका है, वो कैसे पूरा होता हुआ दिख रहा है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, कहां पर क्या सिक्योरिटी है, तमाम पहलू होंगे जिनको आज देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और महंतों के साथ भी आज उनकी मुलाकात, बैठक होगी अधिकारियों के साथ भी। महंत नृत्य गोपाल दास से आज मुलाकात करेंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन इसी के साथ जरूरी हो जाता है 5 अगस्त को लेकर क्या कुछ तैयारी है अयोध्या में उसको देखना। आज उसी के लिए पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या। फिलहाल आज उनका अयोध्या दौरा है, इससे पहले भी अभी वो 4-5 दिन पहले पहुंचे थे अयोध्या, वहां पर उस दिन भी पहुंचकर तैयारियां उन्होंने देखी थी, दर्शन पूजन भी किए थे उन्होंने हनुमानगढ़ी के भी, राम के भी। और इसी के साथ आज एक बार फिर से पहुंचेंगे अयोध्या, वहां पर आज क्योंकि 5 तारीख देखिए नजदीक है, कल 4 तारीख और फिर परसों ही वो 5 तारीख जिसका इंतजार, जिस दिन का इंतजार हर एक को है, हर एक राम भक्त को है, पूरे देशवासियों को है, वो नजदीक आ रही है घड़ी। और उससे पहले एक दिन पहले पहुंचकर वहां पर स्थिति को समझना जरूरी भी हो जाता है। एक मुखिया के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वो नजर वहां पर बनाए हुए हैं और आज खुद वहां पर जाकर देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तैयारियों का, क्या कुछ वहां पर अभी तक खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का भी देखिए दौरा होने वाला है 5 अगस्त को, वो भी पहुंचेंगे अयोध्या, उसको लेकर भी क्या कुछ वहां पर अभी तैयारी है, सिक्योरिटी किस तरीके से वहां पर चुस्त दुरुस्त है, तो तमाम बातें हैं जिनको देखने के लिए आज पहुंचने वाले हैं अयोध्या फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब देखिए हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रसाद में लड्डू, जो कि 1,11,000 ये संख्या इन लड्डुओं की जो तैयार किए जा रहे हैं, उत्सव की तैयारी कैसी, पूरी अयोध्या को किस तरीके से सजाया जा रहा है लाइटिंग से, दियों से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगरी में इस वक्त रौनक ही रौनक है और इसी के साथ प्रमुख द्वार जो है वो भी देखिए सज चुका है, जगमगाता हुआ वो द्वार भी, पोशाक तैयार की जा रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो भगवान राम को पहनाई जाएगी। तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां इस वक्त हैं उसको डिफाइन करती हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं जो कि अयोध्या में ही इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, अनोखी छटा, अद्भुत छटा, वो तस्वीरें हमने 5 दिखाई दर्शकों को जिसमें नजर आ रही है कि किस तरीके से अयोध्या तैयार है। फिलहाल आज सीएम भी वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल तैयारियां पिछले एक हफ्ते से लगातार युद्ध स्तर पर चल रही है और लगभग अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि महज अब आज का दिन और कल का दिन ही बचा है। 5 तारीख को शिलान्यास होना है, भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद वो पहुंचेंगे और ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात करेंगे, ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है और सरकार इसकी एक ऐसी वृहद पिक्चर तैयार करना चाहती है जो आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। और इसीलिए अयोध्या को बिल्कुल खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है, एक एक कोने को सजाया जा रहा है और बिल्कुल अलग ही तस्वीर अयोध्या की इस समय दिखाई दे रही है। तो इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म है, मुख्यमंत्री एक बार फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और 5 तारीख को वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होगी। अभिषेक, और देखिए इंतजार की घड़ियां जो सदियों से थी वो अब खत्म हो जाएगी। संजीव भी हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं। संजीव, आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे, क्योंकि आप अलग स्थान पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर क्या हलचल, क्या कुछ तैयारी वहां की?
जी बिल्कुल शिवानी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या में आज से जो है धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू होने हैं, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। अयोध्या के जो जैसा कि मैं इस समय खड़ा हूँ, अयोध्या के ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बकायदे हमारे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगाई गई है, सुरक्षा कर्मी है, हर किसी आने जाने वाले की पूछताछ कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं, तभी फिर उनको अयोध्या में प्रवेश मिल रहा है। तो कुल मिला के प्रशासन ने जो सुरक्षा का खाका है पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और पूरी अयोध्या जो चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा के और जो सुरक्षाकर्मी तैनात करके सघन तलाशी और पूछताछ की जा रही है। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या इस समय पूरी तरह उल्लास में डूबी हुई है। साधु संत हों, चाहे भक्त हों या आम राम भक्त हों, सभी जो है अपने अपने तरफ जो ये राम काज है, इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इसका साक्षी बन रहे हैं और उसमें उत्साहपूर्वक भागी बनने के लिए उत्साहित हैं। जी बिल्कुल संजीव, और देखिए मुख्य द्वार पर आप मौजूद हैं, मुख्य द्वार पर चेकिंग किस तरीके से चल रही है वो आपने बताया, उस दरवाजे को भी, इस डोर को भी बहुत बखूबी सजाया गया है। अभिषेक करना चाहेंगे, अभिषेक इतिहास के पन्नू में 5 अगस्त की तारीख दर्ज हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ आपने कहा कि इस दिन को और भव्य सुंदर विशाल काय बनाने के लिए तैयारियां व्यापक तौर पर है, क्या कुछ हमें नया 5 अगस्त के दिन देखने को मिलने वाला है अयोध्या में, किस तरीके से अयोध्या को एक अलग तरीके से उस दिन दिखाया जाएगा तैयारियों के माध्यम से? देखिए वैसे तो अयोध्या पिछले 3 सालों में यहाँ पर विकास के नाम पे बहुत सा पैसा शासन की तरफ से दिया गया है, सौंदर्यीकरण के नाम पे बहुत सा पैसा दिया गया है, घाटों का सौंदर्यीकरण कराया गया है। हाँ। लेकिन इस विशेष दिन के लिए देखिए, एक तो सबसे पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया जाएगा कल और परसों 4 और 5 तारीख को, भव्य पैमाने पर 1.5 लाख दीयों का ऑर्डर दिया गया है, साथ ही साथ सभी मंदिरों को यहाँ पर निर्देश दिया गया है और मंदिर प्रशासन खुद भी अपनी तरफ से सभी मंदिरों को सजाया गया है, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और आज से ही सारे धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। मतलब जहां भूमि पूजन होना है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, साथ ही साथ वहां से धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो गए, सड़कों को सजाया गया है, बड़े बड़े सिंह द्वार बनाए गए हैं अयोध्या के हर कोने में, घाटों पर साफ सफाई की गई है, रंगीन लाइटें लगाई गई हैं अयोध्या के हर कोने में और पूरी अयोध्या को एक जैसा दिखाने के लिए मुख्य मार्ग को पीले रंग से रंगा गया है, जितनी भी दोनों साइड की दुकानें हैं, तो ऐसे में एक रूपता दिखाई दे रही है, साफ सफाई दिख रही है, सज्जता दिख रही है, सुंदरता दिख रही है और भव्यता भी दिख रही है। तो ये कई मायनों में पहले की अयोध्या से आज की अयोध्या बहुत अलग दिखाई दे रही है। बिल्कुल अभिषेक, और आपके पीछे वो धुन भी हम सुन पा रहे जो हमें लगातार भक्ति रस में डूबी नजर आई। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और राम मंदिर के भव्य निर्माण से पहले भव्य शिलान्यास का आयोजन